मानस मंडल के आध्यात्मिक आयोजनों की श्रृंखला में दिनांक 24 मई से दिव्य रामकथा का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। आपको बता दें कि मानस मंडल हमेशा से रामकथा प्रेमियों के लिए वर्ष में 4 कथाएं आयोजित कर कथा प्रेमियों के लिए निरंतर सक्रिय रहा है। आगामी दिनों से शुरू हो रही रामकथा में रामचरितमानस के प्रेरक प्रसंगों पर कथा होगी। इस दौरान मानस के विभिन्न पहलुओं पर कथा प्रवचन का आनंद मिलेगा। मानस मंडल रीवा के अध्यक्ष सुभाष बाबू पांडे ने बताया कि 24 तारीख से शोभा यात्रा मानस भवन रीवा से सुबह 7 बजे से कोठी कंपाउंड रीवा, भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना निमंत्रण एवं जयराम दास मंदिर होते हुए मानस भवन पहुंचकर देवपीठ पूजन एवं सायंकाल 4 बजे से सुंदरकांड पाठ 5:30 बजे तक, इसके बाद दिव्य राम कथा के व्यास पीठ का पूजन, व्यास पूजन का कथा प्रारंभ का यहाँ का दिवसीय आयोजन है। दिल्ली के हैं आचार्य भोलू शंकर जी महाराज, उनके द्वारा दिव्य राम कथा प्रवाचन होगा। ये अब बाहर से तो ऐसा बड़े ऐसे किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है, अन्यथा न मंत्री न प्रशासनिक लोगों को, आम जनमानस के लिए है, कथा प्रेमियों के लिए। इस टाइम चुनाव था, शादी ब्याह था, तमाम दुनिया भर की वो था, तो लोग थोड़ा सा वो ये हुआ कि इस बीच में अब राम कथा का आयोजन करके लोगों का मूड थोड़ा सा ठीक किया जाए। चुनाव में भी लगे, शादी ब्याह में, खेती बाड़ी में, अब 15 दिन बाद फिर लोग लग जाएंगे तो कथा सुन लेंगे, थोड़ा सा उनको शांति मिलेगी, तो आगे काम के लिए सकते। आचार्य भोले शंकर जी महाराज दिल्ली से हाँ हाँ नियमित यहाँ मानस मंडल में हम लोगों ने साल में 4 राम कथा, 1 श्रीमद्भागवत कथा, हर महीने सुंदरकांड का पाठ, गीता जयंती, हनुमान जयंती, तुलसी जयंती, अन्य जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियां मानस मंडल नियमित रूप से मनाता। अभी विवेकानंद जयंती थी, अभी परशुराम भगवान की जयंती थी, तुलसी जयंती थी, अभी मानस मंडल और चित्रांश भगवान भगवान का प्राकटोत्सव मनाया गया, तो निरंतर यहाँ ये गतिविधियाँ संचालित रहती हैं। जी मानस मंडल और आम जनमानस के सहयोग से आयोजक मानस मंडल है, सहयोगी आप सभी लोग हैं कथा प्रेमी। ये 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा चलेगी, 7 दिन। 31 तारीख को फिर हवन पूजन भंडारा प्रसाद का कार्यक्रम, कथा का टाइम है वो 4 बजे से 5 बजे तक भजन, और 5 बजे से 7:30 बजे तक कथा, आधा घंटा आरती, और फिर नित्य भोग प्रसाद।